गुरुग्राम नगर निगम में आउटसोर्स पर काम कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों को एक बार फिर टेस्ट यानी लिखित और मौखिक परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। कई अधिकारियों की काबिलियत पर सवाल उठाते हुए नगर निगम ने एक बार फिर टेस्ट लेने की योजना बनाई है। आपको बता दें कि इससे पहले नगर निगम ने आउटसोर्स पर रखे अपने इंजीनियरों का इम्तिहान लिया था, जिसमें से 16 इंजीनियर फेल हो गए थे तो कई पर नकल कर पास होने का आरोप लगा था। ऐसे में एक बार फिर टेस्ट की भनक से आउटसोर्स कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। और टेस्ट में निर्धारित मार्क्स से जिन लोगों के कम आए थे, ऐसे 16 जे थे जिनके मार्क्स निर्धारित मार्क्स से भी कम आए थे, तो उनकी तो छुट्टी कर दी गई है। बाकी कुछ भी थे जो बॉर्डर लाइन पे थे, तो उनको एक मौका देते हुए इम्प्रूवमेंट करने का दोबारा से एक टेस्ट उनका लिया जाएगा। अगर वो उस टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे तो वो कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हटा दिया जाएगा। नगर निगम लगातार गुणवत्ता की ओर बढ़ रहा है, चाहे वो गुणवत्ता हमारे काम की हो, चाहे वो हमारी मैन पावर की हो। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक नगर निगम गुरुग्राम में आउटसोर्स पर लगे अधिकारी कर्मचारी सिफारिशी हैं, जिन्हें काम नहीं आता। ये लोग किसी न किसी नेता के हिमायतदार हैं, ऐसे में निगम का काम गुणवत्ता पूर्वक नहीं हो पा रहा। जब नगर निगम पे कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर्मचारी काम करता है तो उसके दो नुकसान है। एक तो जो अस्थाई काम करता है तो उसको वो अपने काम के प्रति जिम्मेदार नहीं हो पाता, वो अपने लगन से काम नहीं कर पाता। क्यों? उसे लगता है पता नहीं एक साल बाद मेरा ठेकेदार मुझे निकालना दे। दूसरा, ठेकेदार उसका शोषण करते हैं और इस वजह से काम को हर्जाना होता है, आम आदमी को सफर होना पड़ता है। नगर निगम की योजनाएं हमेशा विवादों में रहती हैं, यहां तक कि प्रॉपर्टी टैक्स का ही मामला क्यों ना हो, ज्यादातर गड़बड़ियां ही मिलती हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि जिन्हें काम नहीं आता उन्हें निगम बाहर का रास्ता कब तक दिखाता है। गुरुग्राम से टोटल न्यूज के लिए सुशील सिंह की रिपोर्ट।